आइए आज की इस महफिल की का एक एक हिस्सा ये भी है, आज की इस नशिस्त का एक हिस्सा ये भी है कि हमारी बस आज की इस शेरी नशिस्त में नकीबे हिंदुस्तान मोहतरम मुजाहिदुल मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब का इस्तकबाल करना है और हमारी बस्म के सदर मोहतरम इमरान सागर साहब नेपाल के आलमी मुशायरे से लौट कर आए हैं, हमें उनका भी इस्तकबाल करना है। आइए इन दोनों हजरात का इस्तकबाल किया जाए, उसके बाद फिर मैं अगले शायर को आवाज दूंगा। सबसे पहले हम मुजाहिद हसनैन साहब से दरखास्त कर रहे हैं कि मोहतरम आप जहमत करें अपनी जगह से खड़े हो जाएं और मैं मोहतरम इमरान सागर साहब से और मोहतरम अतीक माइल साहब से दरखास्त कर रहा हूं कि आप इन्हें मोमेंटो देकर इन्हें एवाज से नवाज एजाज से नवाजें। जी अब मैं मोहतरम जी अब मैं मोहतरम ताबिश रेहान साहब से दरखास्त कर रहा हूं कि अब मैं मोहतरम ताबिश रेहान साहब से और अतीक माइल साहब से और महफूज जमाली साहब से दरखास्त कर रहा हूं कि आप लोग हमारी बज्म के सदर मोहतरम इमरान सागर साहब को मोमेंटो पेश करें और उन्हें एजाज से नवाजें। मुजाहिद भाई भी शरीक हो जाएं। जी अब मैं मोहतरम इमरान सागर साहब से दरखास्त कर रहा हूं कि आप मुजाहिद हसनैन साहब की गुलपोशी करें और उनकी हौसला अफजाई फरमाएं। अतीक माइल साहब से भी दरखास्त है कि मोहतरम आप भी गुलपोशी करें मोहतरम मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब की। महफूज भाई आप भी करें। जी अब मैं ताबिश रेहान साहब से दरखास्त कर रहा हूं कि मोहतरम इमरान सागर साहब की आप गुलपोशी करें और अतीक भाई आप भी इमरान सागर साहब की गुलपोशी करें। जी जी आप लोग भी गुलपोशी करें। जी ताबिश रेहान साहब आप भी गुलपोशी करें मोहतरम इमरान सागर साहब की। जी आप लोग फिर से संजीदा हो जाएं। ये एक अहम कड़ी थी जिसे निभाना हमारी जिम्मेदारी थी। इसी प्रोग्राम के लिए आज का ये खास तौर से प्रोग्राम रखा गया है। इस्तकबालिया प्रोग्राम था, ये एक अहम हिस्सा था जिसे हमने पाए तकमील तक पहुंचाया। जी
सभी हजरात संजीदा हो जाएं। जी